पिछले 11 साल से मैं इन भोजपुरी अवार्ड्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। भोजपुरी सिनेमा के साथ तो ऑलमोस्ट आज 13 या 14 साल का रिश्ता हो गया मेरा। मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट फील करती हूँ। आई फील वेरी लकी एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद भोजपुरी इंडस्ट्री। और भोजपुरी अवार्ड नाइट हर साल होती है और हर एक आर्टिस्ट की इच्छा होती है कि यू नो आपको किसी तरह का सम्मान ज़रूर मिले। और आपकी मेरे अंदर ये बहुत बड़ा लालच होता है कि मैं स्टेज पर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि मैं हर साल परफॉर्म कर पाऊँ और जितने सारे कहते हैं ना पहले पिछले सालों से हर साल मैं बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ। बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है पद्मावती फिल्म से जुड़कर। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कॉमेंट करना चाहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर एक मूवी बनी है तो बिना उसे देखे या जो जो मेन लोग हैं जब तक उस मूवी को ना देख लें, अपनी राय ना दें, पहले से उसके खिलाफ उसका विरोध ना करें, पहले कोई चीज़ देख लें। और अगर आपको लगता है जैसे मूवी को लेकर ये बहुत ज़्यादा है कि दीपिका में और रणवीर में वो कुछ रोमांस ना दिखाया जाए, तो सबसे बड़ा इशू तो वही है। और जहाँ तक हमारे समझ में आ रहा है कि उनका तो एक भी सीन साथ में नहीं है, तो अनलेस यू नो आप फिल्म को देख लो तब तक उस पर रिएक्ट करना, उसको अपोज करना, उसके पोस्टर जला देना, आई डोंट थिंक ये सही चीज़ है। Planet Bhojpuri।